नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पंवार डीएनए हिंदी में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ आज मौजूद हैं मीर रंजन नेगी जी, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मीर रंजन नेगी जी की ही बदौलत आज हम चक दे इंडिया वर्ड को बहुत आसानी से पहचानते हैं। चक दे इंडिया फिल्म जो आपने देखी होगी हॉकी पर, वो मीर रंजन नेगी जी की ही कहानी पर बनी हुई थी। और कबीर खान का जो रोल देखा था आपने, वो मीर रंजन नेगी जी का ही रोल था। और आज हम बात करने आए हैं हॉकी पर। हॉकी के प्लेयर से हॉकी पर बात करना कितना अच्छा लगता है, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सर नमस्कार सबसे पहले, और आपको बहुत बहुत बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर कमाल कर दिया है, मेडल लेकर हम लोग वापस आ रहे हैं लगातार दूसरे ओलंपिक में। जो आपसे 8 साल पहले तक सपना हुआ करता था, वो अब हम 2 लगातार ओलंपिक में कर चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नमस्कार कुलदीप पनवर जी, और नमस्कार मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को, देखने वाले लोगों को। आज सिर्फ हमारी हॉकी टीम, हमारे जितने हॉकी प्लेयर्स हैं और जो हॉकी फ्रेटर्निटी है, खेल जगत है, वो नहीं, पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो जश्न मना रहा है, क्योंकि लगातार दूसरी बार हमारी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन कर ये दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। 52 साल के इतिहास में दूसरी बार लगातार हमारी विजय जो है वो ये बात का संकेत भी है कि इंडियन हॉकी जो है वो खत्म होने वाली नहीं है, और यहाँ से हमारी एक और अच्छी यात्रा जो है, सुखद यात्रा, वो शुरू होने वाली है। सर, जो लगातार दूसरी बार हम लोग ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था, हम लोग मतलब आप सोचिए 1980 के बाद हम लोग 2021 में मेडल लेकर आ पाए थे, और इतना लंबा बीच में अरसा रहा ये जो, लेकिन उसके बाद अब लगातार हॉकी एक ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ती जा रही है। सेमीफाइनल में भी हम लोग हार गए, लेकिन जिस तरह की हॉकी लड़कों ने खेली वो एक अलग ही अंदाज था। तो इसका प्रोसेस आप कब से शुरू मानते हैं, कैसे मानते हैं कि मतलब की एक कोई टाइम पीरियड आप मानते हैं कि जब से इस हॉकी इस तरफ बढ़ना शुरू हुई? मुझे लगता है कि हॉकी के दिन उस समय से बदले जब पहली बार हॉकी लीग की शुरुआत हुई। हॉकी इंडिया ने जब पहली बार हीरो हॉकी इंडिया लीग शुरू करी थी, उसमें पहली बार जो हमारे खिलाड़ी थे उन्हें ये विदेशी खिलाड़ियों के साथ में खेलने का मौका मिला। उन्हें पहली बार ये मौका मिला कि वो जो विदेशी कोच थे उनकी ट्रेनिंग में वो लोग गए, और जो बेहतर सुविधाएँ थी तो वो उनको मिली, जिसकी बदौलत है कि उनको लगने लगा कि हम ये जो विदेशी के बड़े बड़े नाम हैं उनसे किसी भी कीमत में कम नहीं। और उसके बाद में जब नवीन पटनायक जी ने हॉकी का दामन थामा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जिस तरीके से हॉकी को स्पॉन्सर किया, हॉकी को एक नई जिंदगी मिली, और उसके बाद में जब हॉकी में पैसा आया तो वो सारी सुविधाएं जो थी वो खिलाड़ियों को मिलना शुरू हो गई। क्रेग फुल्टन जो हमारे कोच हैं उनके साथ में एक अच्छी टीम बनाई गई। क्रेग फुल्टन जो हैं वो उन्होंने आयरलैंड टीम को कोच किया है, इसके पहले बेल्जियम टीम को भी ओलंपिक्स में एक अच्छे स्थान पर पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल कोच जो था वो पैडी उपटन करके थे, जो पहले क्रिकेट टीम के साथ में थे। कहीं ना कहीं इस टीम की बॉडी लैंग्वेज में हमको फर्क आया, जो आत्मविश्वास जिस तरीके से हिंदुस्तान की हॉकी टीम खेल रही थी उसे देख के लगा कि नहीं, ये टीम जो है इसके अंदर एक जज्बा है, वो है कि ये पराजय से नफरत करते हैं। ये जो टीम थी ना, ये जीतने के लिए खेलती थी। और राइट निश्चित तौर पर सर, ये बात तो मैं भी मानूंगा, ये बात से मैं भी आपकी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ कि ये टीम जो है वो जीतने के लिए खेलती है। मेरे याद है सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ लास्ट मिनट वाला वो मोमेंट जिसमें प्लेयर्स ने 2 मौके बनाए, ये दुर्भाग्य था कि हम लोग वो मौके भुना नहीं पाए, वो मौके गोल के करीब से निकल गए, लेकिन लास्ट मोमेंट में जिस तरह से इंडियन टीम चढ़कर खेली जर्मन टीम के ऊपर, वो अपने आप में देखना एक हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि ये चीज इंडियन टीम में अब से 7-8 साल पहले तक नहीं दिखाई देती थी। लास्ट मोमेंट पर लास्ट हम लोग हमेशा जीतते रहते थे और लास्ट के 5-7 मिनट में हम लोग हार जाते थे, लेकिन वहां एक अलग ही जज्बा था।
कुलदीप जी आपने सही फरमाया, एक्चुअली लीग स्टेजेस में जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, यू नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो हमारी टीम को पहले मैचेस में 7-1 से 8-0 से हराती थी। पिछले ओलंपिक्स में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो लीग मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे को 7-1 से हराया था। मतलब वो टीम जो थी वो थोड़ी साइकोलॉजिकल दबाव था हमारे ऊपर, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये टीम जो थी ये आत्मविश्वास से लबरेज थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ऊपर लगातार अटैक किए शुरू में। मतलब हम हमेशा डिफेंस खेलते हैं, लेकिन राइट फ्रॉम द वर्ड गो उसके ऊपर एक के बाद एक, और हम लोगों ने लीड लेके उनको जिस तरीके से हराया, पूरे देश को ऐसा लगने लगा कि नहीं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं तो हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम ओलंपिक के फाइनल में पहुंच सकते हैं। वो एक जज्बा था। उसके बाद में जब हमारा ग्रेट ब्रिटेन के साथ में मैच हुआ, तकदीर ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया वहां पर हमारे साथ में। हमारे एक प्लेयर है अमित रोहिदास, वो बस अभी खेल शुरू ही हुआ था, पहला क्वार्टर कंप्लीट हुआ था, 2-3 मिनट हुए थे, और एक पीछे की तरफ उनके हाथ से गलती से हॉकी स्टिक उठी और अंपायर ने रेड कार्ड दे दिया। बस मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का ये टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अमित रोहिदास को जब रेड कार्ड मिला तो पूरी टीम जो थी वो 10 प्लेयर से खेली, और 10 प्लेयर का दम दिखाकर हमारी टीम ने इन वो जो ग्रेट ब्रिटेन की टीम थी उसको हराया। वो हराया भी बड़ा अंदाज में, हराया भी बड़ा गजब अंदाज में। मतलब वो जीत तो एक रियल में मतलब सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम लोग जीते हैं। हम लोग अमूमन पेनल्टी शूटआउट पर जाकर के जीतने के लिए मशहूर नहीं रहे हैं, और वहां हम लोगों ने बड़े गजब का मैच जीता, बड़ा शानदार जीत। यस, क्या था कि ना ये नंबर का खेल होता है हॉकी में, और उसमें ये समझ लीजिए कि अगर 2 डिफेंडर है और 4 फॉरवर्ड है आपके पास में, तो गोल मारना कितना आसान है, लेकिन जब आपके पास में डिफेंडर कम है और उनके फॉरवर्ड ज्यादा हैं, तब आप कैसे खेलेंगे। उनके इतने सारे, एक प्लेयर हम लोग कम थे, पूरी टीम जो थी एक तरह से अपने 25 में खेल रही थी, पूरा का पूरा दबाव जो है हम लोगों ने 40-45 मिनट झेला। और जब वो मैच खत्म हुआ, मुझे याद है हार्दिक जोर जोर से ऐसा ऐसा जश्न मना रहे थे, उन्हें मालूम था कि उनका गोलकीपर श्रीजेश जो है उन्हें टाई ब्रेकर में डेफिनेटली जिताएगा। मेरे ख्याल से जब सर बात हो रही है ऐसे मैच की, जब जिसमें आप कह रहे हैं कि हम लोगों पर इतना दबाव था और हम लोग खेले इतना गजब, उसमें मुझे लगता है कि अगर हम श्रीजेश को याद ना करें तो नाइंसाफी होगी उनके साथ। संन्यास ले लिया है श्रीजेश ने, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह होगी जो शायद भरना बहुत मुश्किल होगा। पीआर श्रीजेश जैसी दीवार को दोबारा से खड़ा करना, उनकी जगह लेना नए गोलकीपर के लिए बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित होगा। 2 दशक अपने देश के लिए खेलना, 300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचेस में भारत को रिप्रेजेंट करना, और बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतना, इतना आसान नहीं है। ऐसा महान खिलाड़ी जो है वो कहते हैं सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। ये श्रीजेश ने अपना नाम उन महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में दर्ज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो समय में, आने वाला जो इतिहास है, वो श्रीजेश की कहानियां सुना सुना कर जो है वो हमारे नए युवा खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करेगा। और जिस तरीके से उसने पूरे टूर्नामेंट में गजब का प्रदर्शन दिया, एक के बाद एक लगातार सेव पर सेव, मेरे ख्याल से ग्रेट ब्रिटेन के मैच में उन्होंने करीब करीब 20-22 बार श्योर शॉट गोल बचाए, और हिंदुस्तान को जब वो हम लोग बाहर निकले, वो कमेंटेटर, वो सारे के सारे लोग, उनकी आंखों में आंसू थे, सब भावुक हो गए उस दिन। और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, पीआर श्रीजेश। जी बिल्कुल, और श्रीजेश जिस तरह से गोल पोस्ट पर लास्ट में बैठे थे और वो पिक्चर जिस तरह से वायरल हुई है, मुझे लगता है वो तो एक आने वाले टाइम में
आने वाले टाइम के लिए एक ट्रेडमार्क की तरह हो गई है इंडियनों के, तो गोल कीपिंग के एक ट्रेडमार्क की तरह रहेगी। शीजेश का श्रीजेश ये ने बहुत ही आखिरी भावुक मैसेज भी लिखा है रिटायरमेंट के लिए, वो भी मुझे लगता है कि मतलब दिखाता है कि किस तरह से वो शख्स पूरा इंडियन टीम के लिए, इंडियन एक मतलब एक मेडल लेकर वापस जाना। शीजेश का या वो आखिरी मैच था, और मुझे याद है वर्ल्ड कप में भी सचिन तेंदुलकर के लिए जिस तरीके से पूरी टीम खेली, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को विदाई दी एक वर्ल्ड कप के साथ में, वैसा ही कुछ जो था वो श्रीजेश के साथ हुआ। हमारे खिलाड़ी जो थे वो श्रीजेश को अपने कंधे पे बिठा के वहाँ पूरे स्टेडियम में घूम रहे थे, सारे लोग जो थे दर्शक गण सारे के सारे लोग श्रीजेश चिल्ला रहे थे। श्रीजेश की जो अपनी पर्सनैलिटी रही, उसका जो सफ़र रहा, उसका जो नेचर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी श्रीजेश के अंदर बहुत सारी हॉकी बाकी है, और अगर वो खेलना छोड़ भी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो रिटायरमेंट ले भी लेते हैं हॉकी से, तो भी उन्हें इंडियन हॉकी के साथ में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एज ए कोच ही कैन ऑलवेज गिव सर्विसेज, क्योंकि उनसे अच्छा कोच, उनसे अच्छा समझाने वाला मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को और कोई मिलेगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक श्रीजेश जो हैं, वो मानसिक रूप से जिस तरीके से शांत हैं, कंपोज्ड हैं, अपनी टीम के अंदर वो खुशनुमा माहौल वो जिस तरीके से बनाते हैं, पूरा देश है आज उनके ऊपर गर्व कर रहा है। वी आर ऑल सो हैप्पी, हॉकी के अच्छे दिन जो है वो फिर से आ रहे हैं लगता है। सर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कप्तान हरमनप्रीत की भी बात होनी चाहिए। जितना जोरदार परफॉर्मेंस उन्होंने स्टिक से दिया, उतना ही मुझे लगता है कि मोटिवेशन में भी वो सफल रहे, टीम को मोटिवेट करने में, टीम को आगे बढ़ाने में। इवन मैं देख रहा था कि जब सेमीफाइनल में हार हो गई उसके बाद भी मीडिया उनसे बात कर रहा था, तो मीडिया को वो जिस अंदाज में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया से बात कर रहे थे, उसी समय एहसास हो गया था कि देखिए ये टीम भले ही गोल्ड या सिल्वर नहीं ले कर आ पा रही है, लेकिन राउंड तो कहीं नहीं जा रहा है। टीम में वो जो एक हार के बाद डिमोटिवेशन होता है, वो उस कैप्टन ने नहीं आने दिया। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा आपको कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने हॉकी इंडिया लीग की बात की थी, और मैं मेरे याद है कि हॉकी इंडिया लीग जब प्लान हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था, तो मैं मौजूद था वहां, सब चीजें मैंने देखी और सब टीम उस समय का दौर कवर किया। और आज इस टीम में ये जो कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, जो चेहरे स्टार की तरह दिखाई देते हैं, हरमनप्रीत या मनजीत वगैरह जो ये सब दिखाई देते हैं, ये उसी दौर के सब बच्चे हैं, सब उस दौर में पढ़ रहे थे। तो आज जब आए हैं तो रियल हरमनप्रीत का जो गेम था वो किस तरह से मतलब टीम का वो बदलने वाला रहा, वो कैसे सोचते हैं? हरमनप्रीत ने टीम को पूरा लीड किया, He led the team from behind. मतलब हरमनप्रीत ने सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर्स में गोल ही नहीं मारे, उसने जितने भी मूव्स हुए हैं अगर आप देखेंगे उसमें हरमनप्रीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। हरमनप्रीत जो थे वो जिस तरीके से कैलकुलेटेड ओवरहेड पासेस उन्होंने फेंके हैं, है ना, और जिस तरीके से वो विपक्षी टीम के अंदर स्लैप शॉट बोलते हैं उसको, वो स्लैप शॉट जो डेंजरस एरिया में फेंके, वहां से सबसे ज्यादा मूव्स वहीं से बने हैं। हरमनप्रीत जो है वो भी एक, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी सातवें आसमान पे रहता है। अगर आप देखें तो जब जब हिंदुस्तान ने उनकी तरफ निगाह उठा के देखी कि हरमनप्रीत सरपंच साहब जो आजकल उनको बोलते हैं, सरपंच साहब कुछ करिए, सरपंच साहब तो ट्रेडमार्क हो गया, सरपंच साहब तो हर तरफ गूंज रहा था, टेनिस के स्टेडियम में सरपंच साहब गूंज रहा था। हाँ, और वो कह रहे थे कि सरपंच साहब कुछ करिए, और वो कुछ करते थे। जब जब उन्होंने कहा कुछ करिए, सरपंच साहब ने उनकी बात को सुना, देश की धड़कन को सुना, और हम लोग जब विजयी होके निकले, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेलीविजन का स्क्रीन लगा हुआ था, मेरे हॉकी के सारे मित्र यहाँ पर मुंबई शहर में मैं स्पेशली आया था,
वहां पर बैठे हुए थे, इतना हल्ला गुल्ला, मतलब हॉकी जो है वो हम लोगों के नस नस में बहती है हिंदुस्तान के, क्योंकि वो ये वो खेल है जिसमें बहुत अच्छा इतिहास रहा है। हॉकी के प्लेयर्स को सब लोग प्यार करते हैं, इनफैक्ट हमारे मोदी जी भी जब जा रही थी टीम तो उन्होंने कहा कि हॉकी के साथ में देश का बहुत अलग किस्म का जुड़ाव है। मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से हम लोग हारे थे सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल हम लोग हारे थे और हम लोग थर्ड पोजीशन के लिए मैच खेल रहे थे जब, तो सेमीफाइनल में तो कई बार ऐसा होता है कि हारने के बाद टीम नर्वस हो जाती है, जैसे कुलदीप जी आप बोल रहे थे, यू नो इतने बहुत डिप्रेस होते हैं और डिप्रेशन में वो आप उन गोल के बारे में सोचते रहते हैं जो आपने मिस किए, आप उन गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपने शायद की, लेकिन उन सब से निकल कर अपनी रेजिलेंस दिखाना, अपनी हिम्मत दिखाना और वापस वही का वही परफॉर्मेंस देना, ये सारा का सारा जो था ये फाइनल मैच में दिखा थर्ड पोजीशन के लिए हार्ड लाइन फाइनल में, और हिंदुस्तान जो है वो विजयी होके निकला। सर जैसे अब ओलंपिक हो गया है, देखिए अब हम लगातार दो ओलंपिक में हम मेडल ला चुके हैं, यानी कि एक टारगेट कहीं ना कहीं तक अचीव हो चुका है कि हमें ओलंपिक से खाली हाथ नहीं आना, लेकिन अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी दौर शुरू हो रहा है। आप भी देख रहे हैं टीम में कई प्लेयर हैं, श्रीजेश ने घोषणा कर ही दी है, कई प्लेयर ऐसे हैं जो शायद हो सकता है 2028 में हम लोगों को टीम के साथ ना दिखाई दे, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप फ्यूचर को, किस तरह से देखते हैं आप? कुलदीप जी आपने ना स्पोर्ट्स को बहुत नजदीक से देखा है और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ इनफैक्ट, और ये बहुत बहुत ही अहम प्रश्न है कि यहाँ से कैसे, यू नो, और एक बात जब हम पूरे कॉन्टिंजेंट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ओलंपिक्स में 122 स्पोर्ट्स होते हैं और भारत की जो कंटिंजेंट है, ये भारत की जो टीम्स हैं वो सिर्फ कुछ 18 या 22 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है टोटल। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे कि मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में, मैक्सिमम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, हम ज़्यादा मेडल्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि हम वो दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी बिल्कुल समान रूप से ध्यान दें जिसमें हमें ओलंपिक में पदक मिलने की संभावना है। जहाँ तक हॉकी का संबंध है, मुझे लगता है कि जैसा आपने सही फरमाया, इसमें से कम 6 प्लेयर ऐसे होंगे जो अगला ओलंपिक्स नहीं खेलेंगे। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बहुत जल्दी इस टीम से बाहर भी हो जाएंगे और जो नई जनरेशन है उनको अपने ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे सीख लेना चाहिए। हॉकी इंडिया जो है उसे जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थिंक टैंक में जोड़ना चाहिए। मुझे कभी 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 तो ये लगता भी है कि जिस तरीके से क्रिकेट में इंडियन कोचेज हैं, यू नो, पहले राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद में गौतम गंभीर को उन्होंने लिया, इतना बड़ा देश है, इतनी अच्छी क्रिकेट की बॉडी है, जब वो लोग इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और जब पहली बार हॉकी इंडिया लीग हुई थी तो वहां पर बड़े बड़े कोचेस के बीच में हमारे हिंदुस्तान के AK बंसल ने वो हॉकी इंडिया लीग जितवाई थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोचेस किसी से कम है। मुझे लगता है कि हमारे इंडियन कोचेस को चांस देना चाहिए, उन्हें विदेशों में भेजकर नई नई तकनीकियों से अवगत कराना चाहिए, और आने वाले समय में हिंदुस्तान अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, डोमेस्टिक हॉकी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, और ये खिलाड़ी जो अपने लौट के आ रहे हैं इन्हें देश के एक अच्छे से जेवल्स के रूप में सम्मान और प्यार मिले, तभी आने वाले समय में हिंदुस्तान जो है वो हॉकी में आगे बढ़ेगा।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज, और हमें एहसास हुआ कि मतलब हॉकी अब हमारे लिए किस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे हमारे लिए हॉकी में क्या आने वाला है, क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं अभी और क्या अभी और करने की जरूरत है। सर आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लंबे अरसे बाद आपसे बात हुई और जी, मतलब एहसास हुआ कि किस तरह से मतलब हॉकी हमारी अब किस दिशा में बढ़ रही है और किस तरह से ये दो जो मेडल लगातार दो ओलंपिक में आए हैं, इन्होंने क्या उम्मीदें हम लोगों के लिए आगे फ्यूचर में जगाई है और किस तरह की चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। इन चीजों को आपने बहुत बखूबी हमारे पाठकों को समझाया और उम्मीद है कि हॉकी इंडिया के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी आपकी बात सुनी होगी, सुनेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे, उन चैलेंजेस को समझेंगे और हम लोग 2028 में अपने तमगे का कलर और अच्छा और सुधार कर लेकर आएंगे। इसी के साथ आज हम आप विदा लेते हैं। आप लोग भी बने रहिए डीएनए इंडिया पर, ऐसी ही इंटरव्यूज आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।